तो चलिए अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल का, जहां नर्सिंग कॉलेज घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। मामले में हो सकती है ईडी की एंट्री। जी हां, अब नर्सिंग काउंसिल के फैसले भी जांच के घेरे में आ चुके हैं। फर्जी फैकल्टी होने के बाद भी काउंसिल ने दी मान्यता। तो 284 नर्सिंग कॉलेज में डुप्लीकेट फैकल्टी होने के बाद भी दी मान्यता। चिकित्सा शिक्षा विभाग की डायरेक्टर ने लिखा 3 बार पत्र, फैकल्टी के खिलाफ भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। कागजों में एक ही फैकल्टी 8 से 10 जगह एक ही टाइम पर पढ़ा रही थी। बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज से एक और सामने आया, जहाँ फैकल्टी को लेकर भी बड़ी जानकारी। आपको बता दें, एक ही फैकल्टी 8 से 10 जगह एक ही टाइम पर पढ़ा रही थी। तो अब ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है। अब नर्सिंग काउंसिल के फैसले की जांच भी घेरे में आ चुकी है। आपको बता दें, फर्जी फैकल्टी होने के बाद भी काउंसिल ने उन्हें मान्यता दी है। और 284 ऐसे नर्सिंग कॉलेज है जहाँ डुप्लीकेट फैकल्टी बनकर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। जी नेहा, तो जिस तरह से यहाँ सीबीआई की जांच कराई गई थी पूरे नर्सिंग मामले में, और सीबीआई के अफसर ही घोटालेबाज निकले, भ्रष्टाचारी निकले और रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे यहाँ सीबीआई के अधिकारी ही। अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी इस मामले की जांच कर सकती है, क्योंकि सीबीआई पर जब भरोसा जताया गया तो सीबीआई के अधिकारियों ने ही इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया। बड़ा भ्रष्टाचार का मामला मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सामने आया। नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़े घोटालों में से एक है। जिस तरीके से छात्रों के साथ महिमा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुआ है, नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ उनके साल बर्बाद हुए, परीक्षाएं नहीं देने मिली पहले तो, क्योंकि कॉलेजों की मान्यताएं रद्द कर दी गई। उसके बाद अब इस तरीके की बातें सामने आ रही है कि फैकल्टी को लेकर भी यहाँ पर जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है। जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों में कई नर्सिंग कॉलेज अनफिट थे नेहा, उन्हें फिट घोषित करने के लिए पैसे लिए जाते थे सीबीआई अफसरों के द्वारा, और साथ ही हर जिलों में अपने सरगने भी तैनात करके रखा गया था सीबीआई अफसरों के द्वारा। जब जांच की जा रही थी और भ्रष्टाचार किया गया था, जो भी अनफिट कॉलेज थे उन्हें फिट घोषित करके सूची जारी कर दी गई थी, और वहां फैकल्टी नहीं थी, उसके बाद भी फैकल्टी दर्शाया गया था वहां पर। ये बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया था, जिसके बाद अब एक बड़ी खबर है कि ईडी अब इसकी जांच में एंट्री कर सकती है। तो नए तरीके से ईडी एंट्री करेगी, पूरी जांच पड़ताल फिर से शुरू की जाएगी। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले में जांच में धांधली लगातार पाई गई है, और सीबीआई के इंस्पेक्टर गिरफ्तार भी हुए, बर्खास्त भी हुए, डीएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया पूरे मामले में। अब ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अपने इंस्पेक्टर राहुल राज को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, नाम भी कई बड़े बड़े सामने आए थे। जी बिल्कुल। और अब कागजों में एक ही फैकल्टी 8 से 10 जगह एक ही टाइम पर पढ़ा रही है, इसको लेकर भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिस तरह से नेहा, राहुल राज की अपने बात की सीबीआई ऑफिसर थे वो, और उन्हें जांच सौंपी गई थी और अलग अलग जगह की जांच टीमें बनाकर वो जांच कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया। यहाँ पर 2.33 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। उनके पास से कई सोने के बिस्किट भी बरामद किए गए थे। उन्होंने इस हद तक भ्रष्टाचार किया था कि उन्होंने रिश्वत के रूप में सोना भी लिया था, और अब उनको बर्खास्त किया गया। उनके साथ जो भी इस मामले में संलिप्त थे उन्हें भी बर्खास्त किया गया। अब नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच होगी।